रोटी का काफ एक चारों मसल को एकदम सही टेक्निक और सही आपको ज्यादा रेप करने उतना 10 रेप करने का और उसको अच्छे से स्ट्रेच। मेरी डंबल प्रेस का पहला वर्किंग सेट है, इसमें मैं 10 रेप करने की कोशिश करूंगा। और एक चीज का ध्यान रखना, आपको ट्राइसेप्स को लॉक, और अगर मेरे 10 रेप से ज्यादा आ रहे तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आज तो मैं जो जान बची है उस पूरी जान को बाहर निकालूंगा, सर इसको पूरा तोड़ना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही फिट होंगे। तो दोस्तों, मैं आज एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसे मैं बोल सकता हूँ एक वर्कआउट सीरीज। मतलब उस सीरीज में ऐसा होगा कि मतलब मैं आज कौन सी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसके कितने सेट कर रहा हूँ, उसके कितने रैप कर रहा हूँ और उसको किस एफर्ट में कर रहा हूँ। ये वर्कआउट सीरीज होगी जो मतलब मैं रोज जो भी मैं वर्कआउट करूंगा, जो भी वर्कआउट शेड्यूल अपनी नोटबुक में डिजाइन करूंगा, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसका पूरा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो शायद आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। आप लोग भी इसे देख के एक अच्छा फिजिक बना सको, आप लोग भी कंफ्यूज ना हो के आपको आज कौन सा पार्ट हिट करना है और उसमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है, उसके कितने सेट करने और कितने रैप करने हैं। तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें, और शायद ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप भी एक अच्छा वर्कआउट परफॉर्म कर सके। तो दोस्तों, चलो हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी एक अच्छी फिजिक और एक अच्छी बॉडी बनाने में बहुत ही हेल्प हो। तो गाइस, आज हम करने वाले अपने चेस्ट मसल्स को हिट। आज मैं चेस्ट वर्कआउट करने वाला हूँ, तो थोड़ी सी पहले अगर आप चेस्ट मसल्स को हिट कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी भी होनी चाहिए। बोला जाए तो मतलब हमारे चेस्ट मसल्स, हर कोई अपना चेस्ट मसल्स अच्छे से ग्रो करना चाहता है, हर कोई चाहता है मेरे पास एक अच्छी चेस्ट हो। तो मैं बताना चाहूँगा, हमारे चेस्ट में दो मसल्स होते हैं, पेक्टोरियल मेजर और पेक्टोरियल माइनर। तो मतलब पेक्टोरियल मेजर होता है वो विजिबल होता है, हमको बाहर से दिखता है, और पेक्टोरियल माइनर होता है वो विजिबल नहीं होता, हमको इतना दिख नहीं पाता है। तो आज हम अपने पेक्टोरियल मेजर को हिट करेंगे, मतलब साथ में पेक्टोरियल माइनर भी हिट होगा, पर फोकस मतलब हम पेक्टोरियल मेजर पे करेंगे। तो उसमें दो हेड होते हैं, एक होता है क्लेविकल हेड और दूसरा होता है स्टर्नल हेड। तो गाइस, आज हम अपने स्टर्नल हेड पे फोकस करने वाले हैं। मतलब देसी भाषा में मैं कहूँ तो आज हम अपने लोअर चेस्ट और मिड चेस्ट को मतलब अच्छे से टारगेट करेंगे। आज में हम अपने इतना क्लेविकल हेड मतलब अपर चेस्ट पे इतना ध्यान नहीं देंगे, जो हमारा मेन टारगेट होगा हमारे लोअर चेस्ट और मिड चेस्ट पे होगा। तो गाइस, वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको सबसे पहले अच्छे से वार्म अप करना है, अपनी बॉडी को अच्छे से वार्म करना है, अपने जॉइंट्स को अच्छे से वार्म करना है, ताकि हमको कोई इंजरी ना हो और हम अपना वर्कआउट एकदम अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बताता रहूँगा आपको, आगे गाइड करता रहूँगा कि हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें कितने सेट कर रहे हैं और कितने रैप कर रहे हैं। तो चलो देखो, आगे वीडियो को कंटिन्यू देखो, खुद का वर्कआउट करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा था, आपको चेस्ट वर्कआउट करके मज़ा आया नहीं, और चेस्ट वर्कआउट में एक अच्छा पंप आया या नहीं आया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने बॉडी का अच्छे से वार्म अप कर लिया है, मैं अपने रोटेटर काफ मसल्स को अब वार्म कर रहा हूँ, ताकि जो मेरे शोल्डर मसल्स पे जो लोड आने वाला है वो इसके लिए रेडी हो जाए। मैं अपने रोटेटर काफ के चारों मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच कर रहा हूँ। आपको भी वर्कआउट करने से पहले मीडियल लेटरल रोटेशन ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए, जिससे आपको शोल्डर में इंजरी भी नहीं होगी और धीरे धीरे आपके रोटेटर काफ के जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे। तो गाइस, आप भी इसे ज़रूर परफॉर्म करें वर्कआउट से पहले। तो दोस्तों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं दो पुशअप्स के सेट परफॉर्म करूंगा। इसमें मैं दोनों सेट में 15-15 रैप करूंगा, ताकि मेरी चेस्ट मसल्स
अच्छे से वार्म अप हो जाए चेस्ट मसल्स का अच्छे से, जो चेस्ट पे आगे लोड आने वाला है उसके लिए मेरी चेस्ट मसल्स रेडी हो जाए। तो ये मेरा पहला सेट है, इसमें मैं 15 रेप करूँगा। ये मेरा सेकेंड पुशअप्स का सेट है, मैं इसमें भी 15 रैप परफॉर्म करूँगा। इसी में मतलब दोनों सेट में 15 रैप ही करने हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आप 15 से ज़्यादा रैप कर पा रहे हो तो आप 15 से ज़्यादा रैप आपको परफॉर्म नहीं करने, सिर्फ हमको 15 रैप ही करने हैं सही टेक्निक और सही पोजिशन में, क्योंकि हमको मसल्स को पूरा फटिक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से हमारा वर्कआउट स्टार्ट होगा। और एकदम सही टेक्निक और सही पोजीशन से पुशअप परफॉर्म करने हैं जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हो। जो हम पहली एक्सरसाइज करेंगे वो हम पैक डेक फ्लाई मशीन से स्टार्ट करेंगे। इसके हम 4 सेट करेंगे जिसकी रैप रेंज होगी 10 से 12। आपको इतना ही वेट सेलेक्ट करना है जिससे आप 10 से 12 रैप कर सको, ना 12 से आपको ज़्यादा रैप करने और ना 10 से कम करने हैं। और इसमें दो पहले हम वार्म अप सेट लेंगे जिसके हम 15 रैप करें। तो दोस्तों आप इस वीडियो में देख रहे हो, ये मेरा पहला पैक डेक फ्लाई का पहला वार्म अप सेट है। इसमें मैं सिर्फ 15 रैप ही परफॉर्म करूँगा और मैं वेट इतना ही सेलेक्ट करूँगा जिससे मैं ईजी 15 रैप कर पाऊँ और मेरा मसल फटीक ना हो। आपको एकदम लाइट वेट से ही 15 रैप परफॉर्म करने हैं, ये हमारा क्योंकि ये हमारा वार्म अप सेट है। और वार्म अप करते टाइम आपको एकदम एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म करना, अपनी कॉन्ट्रैक्शन की दोनों फेज एकदम अच्छे से परफॉर्म करना, आपको फटाफट नहीं करना है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में देख रहे हो, ये मेरे वर्कआउट पार्टनर समीर भैया है, इनका भी ये पहला वार्म अप सेट है। इन्होंने भी इतना ही वेट सेलेक्ट किया है जिससे ये इजी 15 रैप कर पाए और ये अपने मसल्स को देखो एकदम अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज को एकदम सही टेक्निक से परफॉर्म कर रहे हैं। और दोस्तों आपको वर्कआउट करते टाइम फटाफट नहीं करना है, अपने माइंड को माइंड मसल्स कनेक्शन बना के ही वर्कआउट को परफॉर्म करना है। फटाफट करने से आपको इंजरी भी हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में देख रहे हो, ये मेरा सेकेंड वार्म अप सेट है। इसमें भी मैं 15 रैप ही करूँगा एक अच्छी टेक्निक और एक अच्छी पोजीशन में, और अपने मसल्स को एकदम अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करूँगा और उसको अच्छे से स्ट्रेच करूँगा। आपको बिल्कुल फटाफट नहीं करनी है, आपको एक अच्छा माइंड मसल्स कनेक्शन बनाकर ही वर्कआउट को परफॉर्म करना है। इसमें वेट इतना ही सेलेक्ट करना है, जो इस सेट में भी आपको वेट इतना ही सेलेक्ट करना है जिससे आप 15 रैप ईजी कर पाओ। ये भी हमारा वार्म अप सेट ही है। तो दोस्तों अब मैं अपना पहला वर्किंग सेट कर रहा हूँ। इसमें जो मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, मैं इसमें 10 से 12 रैप करने की कोशिश करूँगा, तो मैं इतना ही वेट इस सेट में सेलेक्ट कर रहा हूँ जिससे मेरे 12 रैप हो पाए। और अगर ऐसा वेट सेलेक्ट हो जाएगा उसमें आप 12 से ज़्यादा रैप कर पा रहे हो तो आपको नहीं करना है, क्योंकि सेकेंड सेट में आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेट बढ़ा देना है जिससे आप 12 रैप ही कर पाओ। और हम इसमें 12 से रैप ज़्यादा इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे मसल्स पे आगे धीरे धीरे लोड बढ़ने वाला है, वेट धीरे धीरे बढ़ने वाला है, इसीलिए हम इसमें 12 रैप ही करेंगे। तो दोस्तों ये मेरा सेकंड वर्किंग सेट है। इसमें पहले जो सेट था उसमें मैंने 12 रैप एकदम ईजी कर लिए थे, तो इसमें मैं 10 kg वेट बढ़ाऊँगा, क्योंकि जो मेरा सेकंड वर्किंग सेट में इसमें जो मुझे 12 रैप करने हैं वो थोड़े हार्ड हो। तो दोस्तों आपको भी अगर आपके जो पहला सेट है उसमें अगर 12 रैप इजी आया तो आप थोड़ा सा वेट ज़्यादा बढ़ा दोगे, क्योंकि जो हमारी रैप रेंज है वो 10-12 रैप हैं। और
और जो रैप कर रहे हो आपके ये पूरे कंट्रोल में होने चाहिए, फटाफट नहीं करना है और मसल्स को एकदम अच्छे से इंगेज करना है इस एक्सरसाइज में। तो दोस्तों ये मेरा तीसरा वर्किंग सेट है, इसमें भी मैं थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ कर दूंगा क्योंकि जो मेरा सेकंड सेट था उसमें भी मैंने 12 रैप इजी कर लिए थे, इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट बढ़ा दूंगा। तो दोस्तों इस सेट में भी आपको 10-12 रैप करने की कोशिश करनी है और इसमें अपना पूरा एफर्ट लगाना है। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट वर्किंग सेट है, इसमें आपको अपना पूरा एफर्ट लगाना है और वेट इतना सेलेक्ट करना है कि आप 10 रैप ही कर पाओ पूरा एफर्ट लगा के। तो दोस्तों मैं अपनी इसमें पूरी जान लगाऊंगा क्योंकि ये मेरा लास्ट सेट है और इसमें मसल्स को मुझे पूरा फटीक करना है। तो दोस्तों हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो बेंच डंबल प्रेस है, इसके हम 5 सेट करेंगे और 5 सेट करने से पहले पहला एक हम वार्म अप सेट लेंगे, उसमें भी हम 10 से 15 रैप करेंगे एकदम अच्छे तरीके से और आपको ज़्यादा वेट वार्म अप सेट में नहीं लेना है। फिर हमारे जो 5 सेट होंगे उसमें 6-8 रैप करेंगे, आपको इतना ही वेट सेलेक्ट करना है जहाँ 10 से ज़्यादा रैप ना हो, 6 से कम रैप ना हो। तो दोस्तों ये मेरा पहला डबल प्रेस का वार्म अप सेट है, इसमें मैं बिल्कुल लाइट वेट सेलेक्ट करूँगा और मैं इसे 12 से 15 रैप करने की कोशिश करूँगा एकदम सही पोजीशन और एकदम सही टेक्निक में। तो आप भी डबल प्रेस स्टार्ट करने से पहले एक वार्म अप सेट ज़रूर करें। तो दोस्तों ये मेरे डंबल प्रेस का पहला वर्किंग सेट है, इसमें मैं 10 और अगर मेरे 10 रैप से ज़्यादा आ रहे तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आगे वेट को बढ़ाना और हमारी रैप रेंज है वो 6-10 रैप ही है। अगर इजी हो रहा है तो मैं आगे थोड़ा सा वेट और बढ़ा दूंगा ताकि जो मेरा नेक्स्ट सेट हो वो थोड़ा 10 रैप के लिए हार्ड हो। अगर दोस्तों आप बिगिनर हो तो आपको इतना ही वेट सेलेक्ट करना है जैसे आप 10 रैप एकदम अच्छे पोजीशन और एक अच्छी टेक्निक से कर सको। तो दोस्तों ये मेरा सेकंड वर्किंग सेट है, जो मेरा पहला सेट था उसमें मेरे 10 रैप इजी आ गए थे इसीलिए मैंने वेट को बढ़ा दिया और इसमें भी मैं 10 रैप करने की कोशिश करूँगा। और डंबल प्रेस करते टाइम एकदम आपको सही पोजीशन में करना है, जो आपकी रेंज होती है उसको पूरा करना है, हाफ रेंज में रैप को नहीं करना और एकदम अच्छे से परफॉर्म करना है, एक एक रैप पे आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा तीसरा वर्किंग सेट है, इसमें भी मैंने थोड़ा सा वेट बढ़ा दिया है क्योंकि जो मेरा इससे पहले सेट था उसमें 10 रैप ईजी आ गए थे तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ किया है, इसमें भी मैं अपनी रैप रेंज है जो 6-10 रैप वो करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों एक्सरसाइज करते टाइम एक बात और ध्यान रखें, आपको ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है, किसी को देख के वेट ज़्यादा नहीं उठाना है, आप इतना ही वेट उठाना जिससे आप
अपने जो रैप रेंज है उसको अच्छे से कर सको और उसको एक अच्छी टेक्निक से कर सको। तो दोस्तों ये मेरा चौथा वर्किंग सेट है, इसमें भी मैंने थोड़ा सा वेट बढ़ा दिया है और इसमें भी मैं 6 to 10 रैप करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लास्ट जो सेट था उसमें मेरे 8 रैप आए थे, तो इसमें मैं 6 to 7 रैप करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट वर्किंग सेट है, इसमें मैं सेम वेट ही ले रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा जो इससे पहले जो मैंने सेट लिया था उसमें मेरे 6 रैप ही आए थे और जो हमारी रैप रेंज है वो 6 to 10 है, तो हम 6 रैप से हमको रैप कम नहीं करने, इसीलिए मैं सेम वेट ही सेलेक्ट करूँगा और इसमें भी 6 to 7 रैप करने की कोशिश करूँगा और इसमें अपना पूरा एफर्ट लगाऊँ, क्योंकि ये मेरा लास्ट सेट है। आप भी अपने लास्ट सेट में पूरा एफर्ट लगा सकते हो दोस्तों और अपनी रैप रेंज को टच करने के लिए आप अपने वर्कआउट पार्टनर का सपोर्ट भी ले सकते हो। और दोस्तों जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो डिक्लाइन डंबल प्रेस है, इसके भी हम 5 सेट करेंगे। जो इसका टारगेट रैप रेंज होगा वो 10 से 12 रैप होगा। इसमें भी आपको इतना ही वेट सेलेक्ट करना है जिससे आप 10 से 12 रैप कर सको। तो दोस्तों ये मेरी डिक्लाइन डंबल प्रेस का पहला सेट है, इसमें मैं 12 रैप करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो हमारी रैप रेंज है वो 10 से 12 है और मैं इसमें इतना वेट सेलेक्ट करूँगा जिससे मैं 12 रैप कर सकूँ। और डिक्लाइन डंबल प्रेस करते टाइम आपको ध्यान रखना है, आपको डंबल को वहाँ लैंड करवाना है जहाँ आपकी चेस्ट ख़त्म हो रही हो, जहाँ हमारी लोअर चेस्ट ख़त्म हो रही हो, और वेट को आगे की तरफ पुश करना है ना कि ऊपर की तरफ। तो दोस्तों ये मेरा सेकंड वर्किंग सेट है, इसमें भी मैं 10 से 12 रैप करने की कोशिश करूंगा और मैंने अपना वेट थोड़ा सा बढ़ा दिया है, क्योंकि जो मेरा इससे पहले सेट था, पहला सेट था, उसमें मेरे 12 रैप उस वेट से ईजी आ गए थे, इसीलिए मैंने अपना इस सेट में थोड़ा सा वेट बढ़ा लिया। और डंबल को एकदम टाइट पकड़ना है जब भी आप रेपिटेशन कर रहे हो, जिससे आप अच्छे से रैप कर पाओगे और आपके 1-2 रैप एक्स्ट्रा ही होंगे।
तो गाइस ये मेरा तीसरा वर्किंग सेट है और इसमें मैं सेम वेट का ही यूज़ करूँगा, क्योंकि जो मेरा इससे पहले सेकंड सेट था उसमें मैं सिर्फ 10 रैप ही कर पाया, इसीलिए मैं सेम वेट का ही यूज़ करूँगा। अगर दोस्तों आपके इससे पहले वाले सेट में 12 रैप इजी आए तो आप वेट बढ़ा सकते हो, नहीं तो अगर 10 रैप आए तो आप भी सेम वेट का ही यूज़ करना। तो दोस्तों ये मेरा चौथा सेट है, इसमें मैंने थोड़ा सा वेट बढ़ा लिया है, क्योंकि जो इससे पहले मेरा तीसरा सेट था उसमें मैंने 11 रैप परफॉर्म किए थे, तो मैंने अपना थोड़ा सा वेट बढ़ा लिया, क्योंकि ये मेरा सेकंड लास्ट सेट है, तो इसमें मुझे खुद को ज़्यादा थोड़ा पुश करना है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा वेट बढ़ा दिया। दोस्तों ये हमारा सेकंड लास्ट सेट है, इसमें खुद को पूरा पुश करना है, एक एक रैप में एफर्ट लगाना है, जान लगानी है। दोस्तों ये मेरा लास्ट सेट है, इसमें भी मैं सेम वेट का ही यूज करूंगा, क्योंकि जो मेरा इससे पहले वाला सेट था उसमें मैंने 10 रैप ही किए थे, इसमें भी मैं सेम वेट का यूज करूंगा, और इसमें मेरे को अपनी लिमिट को पुश करना है, मुझे 10 रैप करने की कोशिश करनी है, और इसमें मसल्स को पूरा फटिक करना है, क्योंकि ये हमारा लास्ट डिक्लाइन डंबल प्रेस का लास्ट सेट है। जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है वो है वेटेड बार डिप्स, मैं इसको वेट के साथ परफॉर्म करूंगा। अगर आप बिगिनर हो या आपके मसल्स पूरे थक चुके हैं तो आप बॉडी वेट भी डिप्स कर सकते हो या मशीन का भी सहारा ले सकते हो, लेकिन हमको 60 रैप करने हैं, और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी आप कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि आपको एक साथ करना है। तो दोस्तों ये मेरा पहला वर्किंग सेट है, मैं इसमें अपनी लिमिट को पुश करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं मैं इस सेट में कितने रैप कर पाता हूँ। और दोस्तों डिप्स करते टाइम आपको नीचे जाते टाइम अपनी चेस्ट को पूरा स्ट्रेच करना है, और ऊपर आते टाइम कॉन्ट्रैक्ट करना है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ट्राइसेप्स को लॉक नहीं करना है, जिससे आपका ट्राइसेप्स मसल ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएगा और आपके ट्राइसेप्स में दर्द भी होने लगेगा। तो ये मेरा सेकंड वर्किंग सेट है, जो पहले वाला सेट था उसमें मैंने 12 रैप किए थे, इसी में भी मैं 12 रैप करने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरा तीसरा वर्किंग सेट है, मैं इसमें भी 12 रैप करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो मेरा सेकंड सेट था उस पर मैंने 12 रैप किए थे, तो देखते हैं दोस्तों इस सेट में कितने रैप आते हैं, और आप भी अपने रैप को काउंट करते रहना या अपने पार्टनर से कहना कि वो आपके रैप काउंट करता रहे। दोस्तों ये मेरा फोर्थ वर्किंग सेट है, जो मेरा पहले सेट था उसमें मैं 10 रैप ही कर पाया था, तो मैं भी इस सेट में भी 10 रैप करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमें 60 रैप करने, खुद को पुश करते रहे, अपने पार्टनर को भी साथ में पुश करे, ताकि वो 60 रैप अपनी जो रैप रेंज है उसको क्रॉस कर सके। दोस्तों ये मेरा पांचवा सेट है, लास्ट सेट में मैं 10 रैप ही कर पाया था, तो देखते हैं दोस्तों इस सेट में मैं कितने रैप कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक 60 रैप करने हैं।
और दोस्तों अगर आपके मसल थक चुके हैं, आप नहीं कर पा रहे, तो आप बॉडी वेट भी कर सकते हो या मशीन का सहारा भी ले सकते हो। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट सेट है, मेरे 52 रैप हो चुके हैं, सिर्फ मुझे 8 रैप परफॉर्म करना है जो मैं इस रैप में इस सेट में कर लूँगा। तो दोस्तों आप भी इसे अच्छे से परफॉर्म करें और अपनी रैप रेंज को एकदम अच्छे से क्रॉस करें, अपना पूरा एफर्ट और पूरी जान लगाएं। और दोस्तों जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, इसे हम सुपर सेट के साथ परफॉर्म करेंगे। इसमें हम दो एक्सरसाइज करेंगे, एक है लैंडमाइन चेस्ट प्रेस और दूसरा है डिक्लाइन पुशअप्स, और इसके हम 3 सेट करेंगे और तीनों सेट में हम 15 से 16 रैप करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे मसल्स में लास्ट में जो जान बची है उस पूरी जान को बाहर निकालना और मसल्स को पूरा तोड़ना है। तो दोस्तों आप देख रहे हो मैं लैंडमाइन चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ, मैं इसमें 16 रैप करने की कोशिश करूंगा। लैंडमाइन चेस्ट प्रेस होते ही मैं सीधा डिक्लाइन पुशअप्स परफॉर्म करूंगा, क्योंकि हम ये दोनों एक्सरसाइज सुपर सेट में कर रहे हैं, मैं इसके भी 15 रैप करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये मेरा सेकंड सेट है, इसमें मैं थोड़ा सा वेट बढ़ा दूंगा, क्योंकि जो पहले इससे पहले वाला सेट था उसमें मेरे 16 रैप इजी हो गए थे, तो थोड़ा सा वेट बढ़ा के मैं इस सेट को थोड़ा सा और हार्ड करूंगा। दोस्तों आपको इतना ही वेट सेलेक्ट करना है कि इसमें आप 16 रैप कर सको, और आपको अपने अपर चेस्ट को पूरा फील करना है बार, मतलब शोल्डर का पूरा फ्लेक्शन करना है ताकि आपके अपर चेस्ट पे पूरा लोड आए। और इस सेट में भी आपके डिक्लाइन पुशअप्स के आपको 15 रैप करने की कोशिश करनी है, और आप खुद को पूरा पुश करना, एक एक रैप में अपना पूरा एफर्ट लगाना है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट सेट है, इसमें आपको अपना पूरा एफर्ट लगा देना है, जो भी जान आप में बची हुई हो एक एक रैप में आप में डाल देनी है, खुद को पूरा इस लास्ट सेट में पूरा पुश करना है। तो दोस्तों हमने अपना चेस्ट वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है, आप भी इस शेड्यूल को, इस वीडियो को देख के एक बार चेस्ट वर्कआउट जरूर ये ट्राई कीजिए, जिससे आपको भी शायद हेल्प मिलेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे हो सके जितना शेयर कीजिए, ताकि दूसरों के लिए भी शायद हेल्पफुल हो। और मैं दोस्तों आप ऐसे ही इस चैनल को प्यार देते रहना, मैं अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करोगे और कमेंट करके बताओगे ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो मैं आपके लिए हर दिन एक ऐसा एक्सरसाइज, एक वर्कआउट वीडियो लेके आता रहूँगा, जिसमें डिफरेंट एक्सरसाइज जो मैं खुद अपने शेड्यूल में फॉलो करता हूँ लाता रहूँगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखो, और एक घर जाके एक अच्छी डाइट लो, डाइट के बिना कभी बॉडी नहीं बनेगी दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।